दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी दो गलतियां शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने टीचिंग इंटरव्यू में की, जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वही दो गलतियां मैं एक नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में गया जहां पर वो मैंने गलतियां नहीं की, क्योंकि मैंने सीख लिया था, वहां पर नहीं की और मुझे वहां पर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों, ये जो दो गलतियां थी ये अलग अलग स्कूल में हुई थी। एक जगह पे एक स्कूल में गया, वहां पे एक गलती हुई, दूसरे स्कूल में गया, वहां पे एक और गलती मुझसे होगी, जिसकी वजह से मैं दोनों में ही रिजेक्ट हो गया। फिर एक तीसरे इंस्टीट्यूट का मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पर वो मैंने गलतियां नहीं की, जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन तीनों इंस्टीट्यूट में जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप लोग ये गलतियां ना करें और आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं पहले स्कूल से। दोस्तों, मैं एक स्कूल में गया, तब मैंने CV दी तो सर ने कहा कि सर आप क्या पढ़ाएंगे। मैंने कहा सर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं 9-10 को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा वैसे हमारे पास मैथ्स के तो टीचर्स हैं, हमें टीचर की ज़रूरत तो है लेकिन इंग्लिश बी के टीचर की ज़रूरत है। तो मैंने फ़ौरन कह दिया कि हाँ सर, इंग्लिश बी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा इंग्लिश बी में टेंस करवाने हैं, करवा दोगे? मैंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, करवा दूंगा। कहते एक्टिव पैसिव आते हैं? मैंने कहा हाँ सर आते हैं। उन्होंने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं? मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ी कन्फ्यूजन थी लेकिन मैं डर गया। मैंने कहा कहीं मुझसे अभी सुनी ना लें, कहीं मुझे क्लास में ना भेज दें तो बेइज्जती हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि ना ही कर दो। मैंने कहा सर नहीं आते। तो उन्होंने कहा सॉरी सर, हमें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए तो टीचर चाहिए। उन्होंने मुझे वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया और मुझे भेज दिया। तो दोस्तों, आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैंने क्या गलती की, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब उन्होंने मुझे पूछा कि आपको एक्टिव पैसिव आते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ सर आते हैं, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, वहाँ पे मैंने ना कर दी। तो दोस्तों, ज़ाहिर है उनको टेंस के लिए एक टीचर चाहिए, उसको पूरे टेंस आते नहीं है तो उसको क्यों रखेंगे। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट तो करना ही था, लेकिन गलती मुझसे ये होगी कि मैंने ये कर दिया कि सर मुझे नहीं आते। अगर ये मैं कह देता कि हाँ सर मुझे आते हैं तो वो मुझे रख लेते वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं कि आप हाँ क्यों करते हैं, आपको तो आते ही नहीं थे, कन्फ्यूजन थी कि अगर वो उसी टाइम आपसे सुन लेते थे या उसी टाइम डेमो करवा लेते तो आप क्या कहते। तो दोस्तों, मैं उनको ये कहता कि सर मैं मैथ्स के लिए प्रिपेयर होकर आया हूँ, तो सर अगर आप मुझे एक दिन का टाइम दे देते हैं तो ज़ाहिर है मैं डिफरेंट अकेडमीज में सर पढ़ाता हूँ तो डिफरेंट लेक्चर होते हैं, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा और भी 100 मामलात हैं, लाइफ में चलते रहते हैं, तो एक दफ़ा बंदा रिफ्रेश कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, बच्चों का भी टाइम बचेगा मेरा भी। तो कल से आप ले लीजिएगा, जहाँ से मर्जी आप सुन लीजिएगा। तो इस तरह मैं कह देता। तो सर कहते श्योर, हाँ मैं एक दिन का आपको टाइम दे देता हूँ, तो एक दिन का मुझे टाइम दे देते। फिर कुछ लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहते हो, आप तो मैथ्स के लिए गए थे, आपको तो मैथ्स अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मुझे मैथ्स तो अच्छा लगता है, मैं इंग्लिश भी इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि अगर हमारे खड़े होने की जगह बन जाती है ना तो बंदा फिर बैठने की लेटने की खुद ही बना लेता है। तो बस अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता, इंग्लिश भी चाहे मैं पढ़ाता, लेकिन मैथ्स के टीचर कभी छोड़ते या कोई मामला बनता तो मैथ्स का टीचर फिर मैं ही बनता, क्योंकि प्रेफर तो उन्होंने मुझे ही करना था क्योंकि मैं उनके स्कूल का टीचर था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अगर नहीं भी रखा जा रहा, किसी और सब्जेक्ट में रखा जा रहा, तो वहाँ पे एक दफ़ा बस खड़े होने की जगह बनानी है। और एक और चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है कि आपने अपने दिमाग को ज़रा हाजिर रखना है, ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जहाँ पे आपको 1% भी चांस हो कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब दूसरे स्कूल की बात बताता हूँ। एक स्कूल में गया, मैंने CV जमा करवाई, मैंने कहा सर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ 9-10 क्लास को, तो यहाँ पे मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन वगैरह किए, एजुकेशन ये वो सारा कुछ पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है सर आप कल आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार इन्होंने तो मैथ्स के लिए मुझे रख लिया, मेरा डेमो होगा सुबह। तो जब मैं दूसरे दिन गया, मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से मेरा डेमो होना है। मैं अपनी मर्ज़ी से एक चैप्टर तैयार करके चला गया, वहाँ से उन्होंने लिया नहीं, बीच में से कोई और चैप्टर निकाल के मुझे दे दिया जो उस टाइम पे बच्चे पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे मेरे लिए कन्फ्यूजन थोड़ी सी हुई, पढ़ाते पढ़ाते कुछ भूल ही जा रहा था, बार बार कन्फ्यूज हो रहा था। दोस्तों, घर से एक दफ़ा तैयार किया हो ना, प्रिपेयर होकर बंदा गया हो तो जहाँ से मर्जी बच्चे क्वेश्चन कर लें, जो कुछ मर्जी हो रहे, बंदे का कॉन्फिडेंस भी लो हो तो एक दफ़ा दिमाग में होता है अगला स्टेप ये, अगला ये, बंदा समझा लेता है। लेकिन वो बीच में निकाल के दे दिया, बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। तो गलती मुझसे यहाँ पे ये हुई कि मैं उनसे पूछना ही भूल गया कि बच्चे सर इस टाइम पे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और कल मैंने क्या पढ़ाना है। अगर ये मैं पूछ लेता और मुझे बता देते, मैं वही चैप्टर तैयार करके आ जाता तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो जाती। लेकिन वो बीच में कोई चैप्टर दे दिया, कन्फ्यूजन होगी, हो जाती है। बड़े बड़े टीचर जो प्रोफेशनल हैं, पढ़ाते रहते हैं, उनसे भी कहीं बीच में स्टेप गलत हो जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा प्रिपेयर किया हो तो फिर नहीं भूलता। तो बस ये मुझसे गलती हुई, मैं उनसे पूछना भूल गया और वो बीच में से उन्होंने निकाल के दे दिया, मुझसे थोड़ा सा भूल गया, जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। अब ये दो गलतियां मैं आपको बताता हूँ, एक तीसरे इंस्टीट्यूट में मैंने नहीं की और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। दोस्तों, जब मैं उस अकेडमी में गया तो उन्होंने कहा कि सर आप FSC को पढ़ा लेंगे। मैंने कहा हाँ।
अब पहला चैलेंज तो ये था कि कभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ाई नहीं थी, लेकिन पहले सीखा हुआ था कि ना करने की वजह से काम खराब हो जाता है। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, मैं पढ़ा लूँगा। वहाँ पे मैम थी, मैंने कहा मैम पढ़ा लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, इंग्लिश करवानी है एफ एस सी की, हमारे पास एफ एस सी के इंग्लिश के सर नहीं है, आप इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? मैंने कहा हाँ मैम, जो मैथ मेरा सब्जेक्ट है वो तो फेवरेट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा फेवरेट तो मेरा इंग्लिश है, और इससे बढ़कर एफ एस सी की जो इंग्लिश है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं एफ एस सी की इंग्लिश बहुत मतलब अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, आप मुझे चांस दें मैं पढ़ा देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने कहा सर श्योर, पक्की बात है? मैंने कहा मैम आप एक दफा चेक तो करें। उन्होंने कहा चलो ठीक है आप कल आइएगा। जब उन्होंने कल का कहा, अब दूसरी गलती जो पहले की थी अब मैं भला क्यों करने वाला था। मैंने कहा मैम मुझे आप बता दीजिए कि इस टाइम पर कौन सा चैप्टर बच्चे पढ़ रहे हैं। कहती क्यों नहीं सर आपको बता देते हैं। तो उन्होंने मुझे बता दिया, मैंने निशानी लगा ली, ये वाला पैरा किया ये वाला नहीं किया हुआ। मैं घर गया, घर जाके मैंने उस पैरे को अच्छी तरह तैयार किया, और मैं जब क्लास में गया और मैंने वही पैरा जो घर से तैयार किया था क्योंकि नेक्स्ट बच्चों का वही था, वो मैंने पढ़ा दिया बच्चों को, बच्चे भी खुश, जो टीचर डेमो ले रही थी वो भी खुश के सर ने एक एक मतलब मीनिंग समझाया है और पूरी ट्रांसलेशन सर ने अच्छी तरह पढ़ा दी है, तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो मेरी गलतियाँ समझ में आ गई होंगी, आपने ये दो गलतियाँ नहीं करनी है, आपकी भी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। दोस्तों अगर आपका टीचिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।